नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम नहीं सुनने पर पीजीआई चंडीगढ़ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 36 छात्राओं पर यह कार्रवाई की है और कार्रवाई ये है कि वो अपने हॉस्टल से 7 दिनों तक बाहर नहीं आ सकते, यानी कि 7 दिनों तक हॉस्टल से बाहर आने पर पाबंदी लगा दी है। अब सब जानते हैं कि पिछले महीने 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वां एपिसोड के लिए भाजपा ने हर एक कदम उठाया था ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और जिला स्तर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा मेहनत की और इस प्रोग्राम को सफल भी बनाया। कश्मीर तक लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी और वहीं पर पीजे चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक आदेश जारी किया था कि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस मन की बात के कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन 36 छात्राएं ऐसी थी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं सुनी और पीजे चंडीगढ़ ने यह कार्रवाई कर दी 36 छात्राओं के ऊपर कि वो 7 दिनों तक अपने हॉस्टल से बाहर नहीं आ सकती। और जैसे ही यह मामला चर्चाओं में आया तो पीजीआई चंडीगढ़ ने भी अपने एक बयान दे दिया और उन्होंने ये कहा कि हमने भी एक आदेश जारी किया था ताकि ये छात्र जो है छात्र छात्राएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुने और कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से वो सीखे ताकि ये सारी बातें जो है वो सीखे और आने वाले समय में उनको इसका फायदा मिल सके। लेकिन इन 36 छात्राओं ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को नहीं सुना और पीजे चंडीगढ़ ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी और इन 36 छात्राओं पर पाबंदी लगा दी कि वो अपने हॉस्टल से बाहर नहीं आ सकती हैं। ये पूरा मामला अब जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है और कई लोग इसे अच्छा भी मान रहे हैं लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है कि वो अपनी लाइफ में क्या करे और क्या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कि क्या पीजे चंडीगढ़ ने जो कार्रवाई की है ये सही की है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें। धन्यवाद।